खालिस्तान की मांग तो देश विदेश में बैठे काफी सिखों के द्वारा की जा रही है, पर क्या खालिस्तान बनाने का उनका यह सपना कभी पूरा भी हो पाएगा? और अगर खालिस्तान बन जाता है तो क्या इससे उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? ये सब जानने के लिए इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खालिस्तान सिखों के द्वारा की गई एक अलग देश की मांग है, जिसे इंडिया के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर बनाया जाएगा। क्या खालिस्तान की डिमांड पूरी सिख कम्युनिटी कर रही है? नहीं, खालिस्तान की डिमांड सिर्फ 1-2% सिख ही कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है, और बाकी सिखों को भारत में रहने से कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आखिर ये 1-2% सिख एक अलग देश क्यों बनाना चाहते हैं? क्यों ये लोग भारत को अपना नहीं समझ रहे और एक नए देश की डिमांड कर रहे हैं? ये जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिर खालिस्तान की डिमांड सबसे पहले किसने और क्यों की थी। साल 1929 में जब मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी, तो उसके अगेंस्ट 3 लोग खड़े हुए थे। पहले थे पाकिस्तान को बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे थे दलितों का मसीहा भीमराव अंबेडकर, और तीसरे थे श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह ने उस वक्त सबसे पहले सिखों के लिए एक अलग देश की मांग की थी, जब बाकी लोग भी अपने अपने धर्मों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे। पर उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना की मांग को छोड़कर बाकी और किसी की भी मांग पर गौर नहीं किया गया। फिर साल 1940 में जब मुस्लिम लीग यानी कि मुसलमानों की सभा, उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया और पाकिस्तान की डिमांड की, तो उस वक्त खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल पहली बार डॉक्टर वीर सिंह भट्टी के द्वारा किया गया था। उन्होंने खालिस्तान के पैम्फलेट्स छापे और इसकी डिमांड की, पर कांग्रेस के लीडर्स ने उनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। फिर साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ और भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान बना दिया गया और मुसलमानों को एक अलग देश दे दिया गया और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान था, तब सिखों को एक अलग देश ना मिलने पर काफी ठेस पहुंची। फिर जब आजाद भारत में पंजाब की एक अलग स्टेट बनाई गई, तो उसमें सिर्फ 30% लोग ही सिख थे, जो कि बहुत कम थे। साल 1955 में श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब राज्य की रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने राज्य को पंजाबी और गैर पंजाबी भाषा के क्षेत्रों में अलग करने की मांग की। जब ये मांग ज्यादा बढ़ने लगी, तो साल 1966 में सेंट्रल गवर्नमेंट इस मांग को एक्सेप्ट तो कर लेती है, पर वो पंजाब के हिस्से करके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ जैसी यूनियन टेरिटरी बना देते हैं। पर इससे सिख लोग बहुत ही नाखुश थे, क्योंकि मेजर पंजाब के एरियाज जैसे अंबाला, करनाल हरियाणा को दे दिए जाते हैं और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी उन्हें हरियाणा के साथ शेयर करनी पड़ जाती है। उस वक्त इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि शुरुआत में चंडीगढ़ दोनों राज्यों की राजधानी होगी, पर बाद में पंजाब को मिल जाएगी, पर ये वादा आज तक भी पूरा नहीं हो पाया है। साल 1973 में श्रोमणी अकाली दल के द्वारा आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें सिखों के लिए 18 मांगे रखी गई, जिनमें से कुछ थी, चंडीगढ़ की पंजाब के हिस्से के रूप में वापसी होनी चाहिए, पंजाब से जातिवाद को दूर किया जाए, पंजाब में पंजाबी पहली भाषा है और पड़ोसी राज्यों में इसे महत्व देना चाहिए, भारतीय संविधान में सिख धर्म को एक अलग आस्था के रूप में मान्यता देनी चाहिए, टैक्स रणनीति को सीमित करके किसानों की मदद की जानी चाहिए। ऐसी ही टोटल 18 मांगे की गई और इन सब मांगों में से कोई भी मांग आतंकवाद फैलाने वाली नहीं थी, पर फिर भी ये डिमांड्स मांगने के बाद सिखों के ऊपर आतंकवादी होने के इल्जाम लगाए गए और उन्हें मारा भी गया। अब 1980 के दशक में एक बार फिर से खालिस्तान आंदोलन ने जोर पकड़ा और इस वक्त दमदमी टकसाल के मुखिया जरनैल सिंह भिंडरावाले ने इस आंदोलन को हवा दी। पहले तो उन्होंने अपना फोकस आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की डिमांड्स पर रखा, पर फिर जब सरकार और राष्ट्रीय मीडिया की तरफ से उन पर आतंकवादी और कई अन्य अपराधों के इल्जाम लगाए गए, तो 1981 में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की पेशकश की। फिर तकरीबन एक महीने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा संसद में
ये घोषणा की गई कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और तब उनको रिहा कर दिया गया। फिर साल 1982 में जरनैल सिंह भिंडरावाले ने एक धार्मिक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था धर्म युद्ध मोर्चा। इस मोर्चे के दौरान हजारों सिखों ने अपनी गिरफ्तारी दी। सरकार द्वारा उन्हें बदनाम करने की कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने सिखों के बीच गुरुओं की महान शिक्षाओं के बारे में चेतना जगाई कि ना तो सिखों पर अत्याचार होना चाहिए और ना ही उन्हें उत्पीड़न के तहत रहना चाहिए। अब साल 1984 में पंजाब में बढ़ता हुआ जरनैल सिंह भिंडरावाले का रोब देखकर सरकार की तरफ से ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया जिसकी कीमत हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिखों के लिए बहुत ही दर्दनाक साबित हुआ। ये ऑपरेशन 1 जून 1984 को शुरू किया गया था और 3 जून को भारतीय सेना अमृतसर में एंटर कर गई और श्री हरिमंदर साहिब को घेर लिया गया और शाम तक कर्फ्यू भी लगा दिया गया था। 4 जून को सेना की तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी गई। फिर शाम को इंदिरा गांधी ने सेना को श्री हरिमंदर साहिब में घुसने और ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश दे दिया जिसके बाद वहां बहुत खून खराबा हुआ। फिर इसी ऑपरेशन के दौरान 6 जून 1984 को जरनैल सिंह भिंडरावाले की हत्या कर दी गई जिसके बाद ये ऑपरेशन खत्म हो गया। इस ऑपरेशन में श्री अकाल तख्त साहिब को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया और तकरीबन 3000 मासूम सिखों की जानें चली गई। ये घटना सिखों के लिए सबसे दर्दनाक घटना साबित हुई। फिर कुछ समय बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को मार दिया गया और सिखों पर फिर से दंगे किए गए जिसमें तकरीबन 17000 मासूम सिखों ने अपनी जान गंवा दी। ये सब होने के बावजूद भी भारत सरकार ने किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी जब भारत सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो सिखों को ये विश्वास हो गया कि भारत में उन्हें इंसाफ तो कभी नहीं मिल पाएगा, इसीलिए खालिस्तान की मांग बार बार की जाती है। पर क्या अगर खालिस्तान बन जाता है तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं। अगर खालिस्तान बन जाता है तो आने वाले समय में ये देश इतना अनस्टेबल हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये है खालिस्तान का मैप। ये जो येलो एरियाज हैं, इन्हीं सभी एरियाज को मिलाकर खालिस्तान बनाया जाएगा। ध्यान से देखा जाए तो इन येलो एरिया के अराउंड कोई भी समुद्री सीमा हमें नजर नहीं आ रही, जिसका मतलब साफ है कि ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री होगी। जो भी कंट्री लैंडलॉक्ड होती है वहाँ इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं कर पाती। ये बात इंडिया का मैप देखकर भी समझी जा सकती है। अब इस मैप को देखा जाए तो यहाँ साफ साफ क्लियर हो रहा है कि जो भी राज्यों के पास समुद्री सीमा है उनकी जीडीपी ज्यादा है, यानी कि इन राज्यों की इनकम ज्यादा है। जिस देश के पास भी समुद्री सीमा होती है वहाँ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज आराम से लगाई जा सकती हैं और वहाँ की इकोनॉमी अच्छी रहती है। और अब अगर बात की जाए खालिस्तान की, अगर इकोनॉमी ही अच्छी नहीं होगी तो ये देश कैसे स्टेबल रह पाएगा? इकोनॉमिक क्राइसिस होने से किसी देश का क्या हाल हो सकता है, इसका अंदाजा पाकिस्तान की हालत को देखकर लगाया जा सकता है। पाकिस्तान पिछले 75 सालों से भिखारी की तरह पेश आ रहा है। पाकिस्तान आए दिन ही दूसरे देशों से मदद मांगता रहता है। ऐसे देश ना ही कुछ प्रोड्यूस कर पाते हैं और ना ही कुछ एक्सपोर्ट। ये लोन लेते हैं और उस लोन को चुकाने के लिए और लोन लेते रहते हैं। अब बात करते हैं उस दूसरी मेजर प्रॉब्लम की जो कि खालिस्तान को झेलनी पड़ सकती है, वो है इनसिक्योरिटी। मैप में देखने से ये बात तो साफ है कि खालिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच में बनेगा और ये बात तो हम काफी अच्छे से जानते हैं कि इन दोनों देशों के पास काफी अच्छी मिलिट्री फोर्स है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और काफी अच्छी पावर्स भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि खालिस्तान को भी अपनी मिलिट्री पर काफी अच्छा खर्चा करना पड़ेगा सिक्योर होने के लिए। अब अगर इकोनॉमी ही अच्छी नहीं होगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, और अगर पैसे ही नहीं होंगे तो मिलिट्री का खर्चा कैसे कर पाएंगे? इसीलिए इनसिक्योरिटी होने से इस देश में रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा खतरा हो सकता है।
देखा जाए तो और भी ऐसी काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है अगर खालिस्तान बन जाता है। इसीलिए खालिस्तान देश बना देने से प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, बल्कि ये देश अपने आप में ही एक प्रॉब्लम बन सकता है। और काफी सिख जो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, वो इस बात को काफी अच्छे तरीके से समझते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।